रथ यात्रा, जिसे रथ उत्सव भी कहते हैं, एक बहुत ही बड़ा और रंगीन उत्सव है जो हर साल पुरी, ओडिशा, इंडिया में मनाया जाता है। यह 9 दिन का उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा, इन तीनों की यात्रा दिखाता है। यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर उनके गर्मियों वाले मंदिर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। यह इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस त्योहारों में से एक है, खासकर ओडिशा में, जहां यह सदियों से पुरी शहर में मनाया जा रहा है। यह भव्य उत्सव भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा हर साल जगन्नाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इन तीनों देवी देवताओं को बहुत बड़े और सुंदर तरीके से सजाए गए रथों में बिठाया जाता है और फिर हजारों भक्त इन रथों को सड़कों पर खींचते हुए ले जाते हैं। यह उत्सव सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कल्चरल सेलिब्रेशन है जो पूरी दुनिया से लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। रथ यात्रा की शुरुआत बहुत पुरानी भारतीय परंपराओं और धार्मिक किताबों से होती है। कहानियों के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ हर साल अपने जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर जाना चाहते हैं। यह यात्रा जीवन और आध्यात्मिकता के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है, जिसमें आत्मा की कभी न खत्म होने वाली यात्रा, नम्रता और भक्ति का महत्व और ईश्वर का साथ होना शामिल है। इस उत्सव में इस्तेमाल होने वाले रथ बहुत विशाल होते हैं। हर एक रथ 40 फीट से भी ऊंचा होता है और इसे बनाने और सजाने में सैकड़ों कारीगरों की मेहनत लगती है। ये रथ हर साल एक खास तरह की लकड़ी से नए सिरे से बनाए जाते हैं। इस लकड़ी को पवित्र माना जाता है। उत्सव की शुरुआत कई सारी रस्मों से होती है, जो देवी देवताओं के औपचारिक स्नान से शुरू होती है। इसे स्नाना पूर्णिमा कहा जाता है। इसके बाद माना जाता है कि देवी देवता बीमार पड़ गए हैं और उन्हें 15 दिनों के लिए लोगों से दूर रखा जाता है। इस दौरान उनका इलाज अनासरा नाम की एक विशेष विधि से किया जाता है। यह एकांत का समय भक्तों के लिए बहुत बेसब्री का होता है। जब देवी देवता ठीक हो जाते हैं तो उन्हें रथ यात्रा के लिए बाहर लाया जाता है और इस यात्रा को बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। मुख्य कार्यक्रम रथों को लंबी रस्सियों से खींचकर शुरू होता है और ये रस्सियां भक्त पकड़ते हैं। इन विशाल रथों को सड़कों पर खींचते हुए देखना भजनों, संगीत और नृत्य के बीच आस्था और उत्सव का एक अद्भुत नजारा होता है। रथ यात्रा की एक खास बात यह है कि इसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बहुत से दूसरे धार्मिक अनुष्ठान मंदिर के अंदर ही होते हैं और उनमें सिर्फ कुछ ही लोग जा सकते हैं, लेकिन रथ यात्रा में सभी का स्वागत है। समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या देश के हों, इस उत्सव में शामिल होते हैं। त्योहार का यह पहलू हमें ईश्वर की उस शक्ति की याद दिलाता है जो सब में है, और यह भी कि ईश्वर सबके लिए है। लाखों भक्त, जिनमें बहुत से विदेशी भी शामिल हैं, इस त्योहार में आते हैं और इससे यह त्योहार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी, जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। कहानियों के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने राजा के सपने में आकर उनसे अपने गर्मियों वाले मंदिर तक जाने के लिए एक रथ बनाने को कहा। तभी से हर साल यह त्योहार मनाया जाता है और देवी देवताओं को भव्य रथों में बिठाकर जुलूस निकाला जाता है। 3 रथ, नंदी घोषा, तलध्वज और पद्म, इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होते हैं। हर रथ को हिंदू धर्म की कहानियों को दिखाते हुए नक्काशी और चित्रों से सजाया जाता है। जुलूस एक खास रास्ते से होकर जाता है, जिसे बड़ा डंडा कहा जाता है। यह रास्ता लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा होता है। रथों को भक्त खींचते हैं और पूरी यात्रा के दौरान भजन और भक्ति गीत गाते हैं। रथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है गुंडीचा मंदिर की यात्रा, जिसे गुंडीचा यात्रा कहा जाता है। देवी देवता 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और इस दौरान भक्त उनकी पूजा करते हैं। इस समय को गुंडीचा यात्रा कहते हैं। देवी देवताओं की वापसी यात्रा, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है, उतनी ही महत्वपूर्ण है और इसे भी उतने ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। वापसी यात्रा के दौरान रथ मौसी माँ मंदिर पर रुकते हैं, जहां देवी देवताओं को पोड़ा पीठा नामक एक खास तरह का पैनकेक चढ़ाया जाता है, जो भगवान जगन्नाथ को बहुत पसंद है। भोजन का प्रसाद, जिसे प्रसाद कहा जाता है, रथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्त देवी देवताओं को तरह तरह के पकवान चढ़ाते हैं, जिनमें फल, सब्जियां और मिठाइयां शामिल होती हैं।
फिर इस प्रसाद को भक्तों में बांट दिया जाता है जो इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं। उत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिनमें संगीत और नृत्य शामिल हैं। ये कार्यक्रम ओडिशा की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं और त्योहार का एक अभिन्न अंग है। रथ यात्रा का प्रभाव सिर्फ धर्म और आध्यात्मिकता तक ही सीमित नहीं है, इसका समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यह उत्सव कला और संस्कृति के अलग अलग रूपों जैसे संगीत, नृत्य और शिल्प कला को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए रथों को बनाने में बहुत से कारीगरों और शिल्पकारों का हुनर काम आता है जो कड़ी मेहनत से इन भव्य रथों का निर्माण करते हैं। यह त्योहार स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं जिससे स्थानीय दुकानदारों, होटल मालिकों और परिवहन सेवाओं को फायदा होता है। इस उत्सव ने कई साहित्यिक और कलात्मक कृतियों को भी प्रेरित किया है। कई कवियों, लेखकों और कलाकारों ने अपनी कला में रथ यात्रा को दिखाया है। यह त्योहार कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है और भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अध्ययन करने वाले विद्वानों के लिए यह बहुत दिलचस्पी का विषय रहा है। इस उत्सव की भव्यता और इसका विशाल रूप, साथ ही इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व इसे अध्ययन और उत्सव का एक आकर्षक विषय बनाते हैं। आज के समय में रथ यात्रा सिर्फ पुरी में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में मनाई जाती है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन ने इस त्योहार को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज रथ यात्रा दुनिया के कई बड़े शहरों में मनाई जाती है जिनमें लंदन, न्यूयॉर्क और सिडनी शामिल हैं, और इसमें अलग अलग संस्कृतियों के लोग शामिल होते हैं जो प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाते हैं। रथ यात्रा बहुत ही भव्य और लोकप्रिय है, लेकिन इसके बावजूद इसके आयोजन में कई चुनौतियां भी आती हैं। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना, भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और रीति रिवाजों की पवित्रता बनाए रखना, इन सब के लिए बहुत सोच समझकर योजना बनाने और तालमेल बिठाने की जरूरत होती है। स्थानीय प्रशासन, अलग अलग संगठन और स्वयंसेवक सभी मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि उत्सव सुचारू रूप से चले। पर्यावरण की चिंताओं जैसे कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर त्योहार के प्रभाव को भी कम करने की कोशिश की जा रही है और उत्सव को और अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गैप 2S। रात के समय राजा इंद्रदूम को सपना आया कि वो बनका मोहन नदी के किनारे पर हैं और श्री विष्णु जी खुद उनसे कह रहे हैं कि जल्दी से यहां आ जाओ। जब राजा इंद्रदूम वहां पहुंचे तो उन्हें नदी किनारे लकड़ी के एक टुकड़े पर नीले रंग का एक पदार्थ मिला जिसे उन्होंने नील माधव नाम दिया, पर आज हम उसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। गैप 2S कहते हैं, जिसे कई लोग श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल भी मानते हैं। इसीलिए राजा इंद्रदूम ने इस नील माधव के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने का फैसला किया, परंतु किसी कारण से वो काम पूरा नहीं हो पाया और आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी है। कई लोग मानते हैं कि यह मंदिर कलयुग की शुरुआत में बनाया गया था, इसीलिए यह गैप 2S आधा है। उनका अधूरापन यह दिखाता है कि कैसे कलयुग में भक्ति भी पूरी श्रद्धा से नहीं की जाती। लेकिन कुछ और भी कहानियां हैं जो बताती हैं कि यह मंदिर हमारे अंत की ओर इशारा कर रहा है। भविष्य मलिका संत अच्युतानंद दास की लिखी हुई 500 साल पुरानी किताब है जिसमें कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं जो हमारे अंत की ओर इशारा कर रही हैं, और इन्हीं में से गैप 2S एक है। जगन्नाथ मंदिर। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग की अवधि जो लगभग 4,32,000 साल की है वो इंसानों के पापों की वजह से कम हो गई है और 2025 में यह दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह राज छुपा है जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों में। मंदिर के पत्थर अपने आप गिरने लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई उन्हें गिरा रहा हो। गैप 2S। लेकिन ऐसा मंदिर के पुराने होने की वजह से नहीं बल्कि धरती पर बढ़ते पापों के कारण होगा। एक बहुत ही भयंकर तूफान आएगा और पुरी का पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा समुद्र में गिर जाएगा। हवा इतनी तेज होगी कि नील चक्र भी टेढ़ा हो जाएगा। गैप 2S। भविष्य मलिका की सच्चाई और इसके महत्व पर कई लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन इसमें लिखी कुछ बातें सच साबित हुई हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ओन ऑफ इंडिया की जांच में यह बात सामने आई है कि मंदिर के रत्न भंडार की दीवारें कमजोर हो रही हैं
और उनमें पानी भर रहा है। और तो और 2019 और 20 में आए तूफानों की वजह से जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई। वह बरगद का पेड़ जो हजारों सालों से गैप 2S खड़ा था, अचानक गिर गया और शिखर पर लगा झंडा जो हमेशा सीधा लहराता था वो भी जमीन पर गिर गया। पर आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंदिर का रत्न भंडार कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर का खजाना, जिसे रत्न भंडार कहते हैं, वहां सोना, हीरे, जवाहरात और न जाने कितनी कीमती चीजें रखी हैं। लेकिन गैप 2S पिछले 40 साल से इस भंडार का दरवाजा बंद है और कहा जाता है कि इसकी वजह है खजाने की रक्षा करने वाले जहरीले सांप। रिपोर्ट्स के मुताबिक रत्न भंडार को आखिरी बार 1926 और 1984 में खोला गया था। 1984 में जब रत्न भंडार के दरवाजे खुले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑन ऑफ इंडिया को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ASI के अफसरों को अंदर से बहुत सारे सांपों की गैप 2S डरावनी आवाजें आने लगी, जिससे डरकर SI ने बाकी दरवाजे न खोलने का फैसला किया। तब से लेकर आज तक वो दरवाजे बंद पड़े हैं। रत्न भंडार के दो हिस्से हैं, भीतर भंडार और बाहर भंडार। 2018 में कोर्ट ने SI को आदेश दिया कि वो भीतर भंडार की जांच करे, पर जब टीम वहां पहुंची तो उन्हें पता चला कि रत्न भंडार की चाबियां ही गायब हैं। पिछले 6 सालों से वो चाबियां कहां हैं? गैप 2S यह कोई नहीं जानता। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो माना जाता है कि सूर्यवंशी राजा ने भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में बहुत सारा सोना और गहने दान किए थे। कहते हैं कि एक बार जब मंदिर के गहनों की गिनती हो रही थी तो एक समय के बाद गिनने वालों को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे रत्न गिने कैसे जाएं। गैप 2S इसलिए उन्होंने कह दिया कि यहां का खजाना तो अमूल्य है। 1978 में हुए एक ऑडिट के मुताबिक रत्न भंडार में लगभग 454 सोने की चीजें और 229 चांदी की चीजें थीं, पर आज तक इन सब की असली कीमत कोई नहीं लगा पाया। बीच में खबरें आई थीं कि लगभग 40 किलो चांदी के गहने रत्न भंडार से गायब हैं। यह सब बातें कितनी सच हैं? रत्न भंडार में अब क्या है और कितना है, यह सब गैप 2S तभी पता चल सकता है जब उसकी जांच हो। इस मुद्दे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी का यह मंदिर हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। हर साल आषाढ़ के महीने में जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, पर यह यात्रा हमेशा एक मुस्लिम की मजार पर आकर क्यों रुकती है? साल बेग नाम का एक आदमी अकबर की सेना में एक बहुत बड़ा सिपाही था, लेकिन एक बार युद्ध के दौरान उसके सर पर चोट लग गई। गैप 2S उसे इतना गहरा घाव हुआ था कि वो कभी नहीं भरता था। वो बहुत परेशान रहने लगा, लेकिन अपनी माँ के कहने पर उसने भगवान जगन्नाथ की भक्ति शुरू कर दी। एक दिन साल बेग के सपने में भगवान जगन्नाथ आए और उसे घाव पर लगाने के लिए भभूत दी। जब साल बेग की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके माथे का घाव अपने आप ठीक हो गया है। वो बहुत भावुक हो गया। गैप 2S साल बेग तुरंत भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन करने के लिए चल पड़ा, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में जाने की इजाजत नहीं मिली। पर उसने हार नहीं मानी, वो बाहर ही बैठकर भगवान की भक्ति करने लगा। लेकिन कहते हैं कि मरने से पहले उसने कहा था कि अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे भगवान मेरी मजार पर जरूर आएंगे। और तभी से हर साल श्री जगन्नाथ जी का रथ साल बेग की मजार पर कुछ देर के लिए रोका जाता है। गैप 2S पर इसके अलावा एक और जगह है जहां जगन्नाथ जी का रथ रुकता है, पुरी का गुंडीचा मंदिर। जगन्नाथ यात्रा के 5वें दिन पुरी के गुंडीचा मंदिर में मां लक्ष्मी के सम्मान में हीरा पंचमी नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन मां लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ के रथ को तोड़ दिया था। एक प्रचलित कहानी के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी मां लक्ष्मी को पीछे छोड़कर यात्रा पर निकल गए थे। उन्होंने वादा किया था कि अगले दिन ही वापस आ जाएंगे, लेकिन जब 4 दिन बीत जाने के बाद भी जगन्नाथ जी वापस नहीं आए तो मां लक्ष्मी परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। यात्रा के 5वें दिन वो गुंडीचा मंदिर के द्वार पर पहुंची और वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के रथ को देखा। मां लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर भगवान जगन्नाथ के रथ को तोड़ दिया और वापस मुख्य जगन्नाथ मंदिर लौट गई। हर साल जगन्नाथपुरी की यात्रा में
इस घटना को हेरा पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हेरा का मतलब है ढूंढना और पंचमी का मतलब है पांचवा दिन, यानी वो दिन जब माँ लक्ष्मी जगन्नाथ जी को ढूंढने निकली थी। इस दिन नाराज माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। उन्हें पुरी के प्रसिद्ध रसगुल्ले और कई अलग अलग तरह के पकवान चढ़ाए जाते हैं। फिर उनके सेवक उनकी पालकी को गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं। वहां माँ लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ के सेवकों के बीच नोकझोंक होती है और आखिर में माँ लक्ष्मी के सेवक रथ के एक छोटे से हिस्से को तोड़कर अपने साथ मंदिर ले जाते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों भक्त जगन्नाथ यात्रा देखने आते हैं। यह ऐसा समय होता है जब उनके भगवान अपने मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों के बीच आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। इस यात्रा का महत्व युगों युगों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ भक्त ही नहीं, कहा जाता है कि भूत प्रेत भी इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए भी एक खास प्रसाद बनाया जाता है। यात्रा में भगवान को कई तरह के पकवान चढ़ाए जाते हैं, उन्हीं में से एक है आधार पन्हा। यह एक ऐसा प्रसाद है जो भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया तो जाता है, लेकिन इसे भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के लिए बनाया जाता है। हर साल 3 बड़े बड़े बर्तनों में इस प्रसाद को बनाकर रथ में ही रखा जाता है और फिर इसे श्री जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है, लेकिन भोग लगाने के बाद इसे खाया नहीं जाता, बल्कि इसे जगन्नाथ जी के रथ के आसपास फेंक दिया जाता है। माना जाता है कि यात्रा में होने वाले इस अनुष्ठान का इंतजार वहां मौजूद सभी बुरी आत्माएं कर रही होती हैं, क्योंकि जैसे ही यह प्रसाद नीचे गिरता है ये बुरी आत्माएं इसे खा लेती हैं और इसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।